Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग. जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, टेंडर जल्द ही आने वाला है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे नंबर ऑफ सीट पर ये वैकेंसी निकल के आने वाली है. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, आपका फॉर्म कब आएगा, टेंडर कब जारी हुआ, सारा कुछ डिटेल में मैं बताऊंगी. तो इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहना. तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जल्द ही वैकेंसी आने वाली थी, तो वो उसके लिए आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है. तो फ्रेंड्स, कितने सीट पे ये वैकेंसी आ रही है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियरली बता देती हूँ. 52,699 सीट्स के लिए वैकेंसी जल्द ही हम सभी के बीच आने वाली है, मतलब कि आपका 53,000 के अप्रॉक्स सीट है. अच्छी, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, तो तैयारी में जुट जाओ आप अभी से. आओ आगे मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म की फ़ी क्या रहेगी. 400 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट ये फी आपका चार्ज किया जाएगा. क्वालिफिकेशन वेरी सिंपल, इफ़ यू आर 10+2 पास आउट, डजेंट मैटर कि आपकी परसेंटेज क्या है, आप इलिजिबल रहने वाले हो, बस आपने अगर 10+2 पास कर रखा है तो. आइए अब देख लेते हैं एज लिमिट क्या है. तो फ्रेंड्स, आपका एज लिमिट जनरल कैंडिडेट मेल के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स रखा गया है. जनरल कैंडिडेट्स फीमेल्स के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है. जी हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो, रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा. ओबीसी एंड एससीएसटी को 5 ईयर्स का, मतलब कि इन तीनों कैटेगरीज को इतना रिलैक्सेशन मिलेगा. तो आइए अब देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है. तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन, देन होगा आपका फिजिकल, और लास्टली होता है सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो ये तो आपका सिंपली हर एक एग्जाम में जो होता है कि अगर आपका डिफेंस है, पुलिस है, तो उसमें आपका रिटन पेपर होता है, फिजिकल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर एक पेपर में होता है. तो आओ अब हम लोग देख लेते हैं रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है. फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हो आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा 300 मार्क्स के लिए. दैट मीन्स कि आपका 1 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलने वाला है. टाइम रहेंगे आपके 2 आवर्स के. निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है यहाँ पे, 0.5 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला है. सो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने नंबर के लिए होने वाला है. जीके के आपके 37 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के 21 क्वेश्चन. पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, तो ये आपका 74 मार्क्स का हो जाएगा, ये भी 74 मार्क्स का, ये आपका हो जाएगा 110 मार्क्स का एंड ये 42 मार्क्स का. ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है. सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी एग्जाम की पैटर्न. जब आप इसको क्लियर करोगे तब होगा आपका फिजिकल. तो आओ मैं आपको फिजिकल का क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देती हूँ. एज यू कैन सी मेल एंड फीमेल दोनों का होता है फिजिकल. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइट क्या रखा गया है. तो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर. चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है 79-84 सेंटीमीटर्स, और फीमेल्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है. देन होती है आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग का टेस्ट होता है. मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, 25 मिनट में इसको कंडक्ट कराया जाता है. फीमेल्स के लिए ये रनिंग 2.4 किलोमीटर्स की होती है एंड 14 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना होता है. तो फ्रेंड्स, आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, आपका फिजिकल भी हो गया,
तब क्या होगा, आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगा? आई नो कि सैलरी ना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, मेनली मोटो ये होता है कि मैं जब खुद का जॉब करूंगा, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तो मुझे ये सैलरी मिलेगी। तो मैं बता देती हूँ आपको, तो इसमें आपको जो पर मंथ होता है ना, स्टार्टिंग में ही आपको 30,000 to 40,000 के बीच में सैलरी दिया जाता है। दैट मीन्स कि सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको जॉब भी अच्छा है, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है, आपका जो जॉब लोकेशन होगा यूपी में रहने वाला है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि मैम आपने अपने मर्जी से वीडियो बना दिया, कब आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जारी कर दिया गया, टेंडर जारी करके आपको बता दिया गया कि मतलब लास्ट डेट कौन सा होता है ना, कि कंपनी डिसाइड करना होता है कि किस कंपनी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मोस्टली चांसेस है कि आपका ना TCS जो है लेने वाला है एग्जाम, तो ये डिसाइड करने का लास्ट डेट, टेंडर किसको मिलेगा ये डिसाइड करने का लास्ट डेट ना आयोग की तरफ से 25 अगस्त 2023 रखा गया है। मतलब कि इस डेट तक के डिसाइड कर लेना है कि टेंडर किसको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही मिलेगा, TCS को ही मिलेगा, तो फटाफट से एग्जामिनेशन के लिए जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये फॉर्म ऑनलाइन कब आएगा। तो फ्रेंड्स साफ साफ लिखा गया कि आपका ये फॉर्म अक्टूबर में आ जाएगा हम सभी के बीच, मतलब कि अक्टूबर में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। रही बात एग्जाम की डेट की, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम जो होगा वो आपको दिसंबर 2023 में हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स किसी रीजन से अगर डिले होती है, तो आपका 110% गारंटी है कि आपका जनवरी में तो ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म अप्लाई करना है जब आएगा, अभी तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है, तो जल्दी फॉर्म आएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से ही स्ट्रांग रखो। सीट बहुत ज़्यादा है आई नो, बट ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से अभी से करने लग जाओ, ताकि जब फॉर्म आए, पेपर हो, उस वक्त आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी जब नोटिस आया है, उसमें क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि नो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। मतलब कि कोई आपको ना ऊपर से नहीं मिलने वाला है एज का रिलैक्सेशन। जो कोविड की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ये क्वेश्चन करते थे, जब मैम क्या होगा, एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनको क्लियर कर देती हूँ, नहीं मिलने वाला है। और तैयारी आप लोग अपने अच्छे से करो। अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आओ, यहाँ पूछो। और हाँ, अगर यहाँ नहीं पूछ सकते, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। सो आई होप कि सब क्लियर हो चुका होगा। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, भर भर के लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस अपकमिंग रिक्रूटमेंट की वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।